देखो नाइन्थ, नाइन्थ में लिखा है सो दैट दिस, एक कंडीशन है सेट ए की जीरो से लेके ट्वेल्व तक। पहला पार्ट है कि ए माइनस बी का मॉड जो है वो फोर का मल्टीपल है, और सेकेंड पार्ट है एच इक्वल टू बी, हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस आपको बताना है, ईच केस आपको बताना है यहां पे। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है, तो यहां पे आपको ये देखना है, सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमसे ये बोला गया है कि अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग है कि मॉड ए माइनस बी जो है वो फोर का मल्टीपल होगा, यानी फोर एम होगा। अब पिछला जैसा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारना है, फटाफट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो भाई रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे देखो क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव में, पहले हम चेक किसको करेंगे, चेक करेंगे बेटा ए कॉमा ए को, किसको चेक करेंगे, ए कॉमा ए को। तो क्या हो जाएगा, बी ए आ जाएगा, तो ये जीरो हो गया। अब जीरो तो मल्टीपल होता ही है फोर का, तो इट इज मल्टीपल ऑफ फोर, इट इज मल्टीपल ऑफ फोर, ये फोर का मल्टीपल हो गया, जीरो जो है वो फोर का मल्टीपल है। इसका मतलब है अगर जीरो मल्टीपल है फोर का, तो इसका मतलब है ए कॉमा ए हमारा, दैट इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। और अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कैसे रिलेशन हो गया, ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब सिमेट्रिक कर लेते हैं भाई फटाफट, सेम तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरीके, सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो इस सिमेट्रिक में हमें जो दे रखा वो कॉपी पेस्ट मार दो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो ए कॉमा बी का बिलोंग्स टू आर का मतलब है क्या, मतलब भाई ए माइनस बी का जो मॉड है वो 4m है, कितना है 4m। अब हमें कहां तक पहुंचना होगा, b माइनस ए जो है वो 4m के बराबर आ जाए, इससे हम कह पाएंगे कि b कॉमा a रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, समझ रहे हो, पहले से लिख लिया करो। ठीक है, समझ रहे हो, तो पहले से आप लिख लिया करो इस चीज को। तो अब आपको पता है इससे कैसे पहुंचोगे, अगर b माइनस a जाना है तो मॉड के अंदर ही कॉमन ले लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड का नेगेटिव हटा दी, मॉड के अंदर नेगेटिव आप हटा सकते थे, ये पहुंच गया और ये आंसर आ गया, तो सिमेट्रिक तक हो गया, सिमेट्रिक तक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है, तो अब हम, मैं ट्रांजिटिव अलग से करके दिखा रहा हूं आपको, अब मैं आपको ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं, ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो भैया ट्रांजिटिव जरा देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव का कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के केस में आपको ये समझना है कि अगर दो कंडीशन खुद से लेनी होगी ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन खुद से लेनी पड़ती ना। ट्रांजिटिव वाले में ए भी तो दिया होता है, बी सी खुद से लेना है, और प्रूफ करना है तो खुद से लो, ठीक है। अब यहां पे नंबर से नहीं करोगे बेटा, इन क्वेश्चंस को नंबर से नहीं करोगे, अगर चीज ट्रू है तो नंबर से नहीं करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस बी हमारा फोर का मल्टीपल है और बी माइनस सी भी जो है वो फोर का मल्टीपल है। अब ये भी एम है तो एम वन और ये एम टू कर लो, ठीक है, सेम तरीके से। अभी लास्ट क्वेश्चन करें ना, तो फिर मॉड ब्रेक कर लेते हैं, याद करो पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है ऐसे, ये b माइनस सी का मॉड ब्रेक कर लो तो प्लस माइनस 4m2 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 करने से b से b कट जाएगा, तो यहां से आएगा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m1
प्लस माइनस फोर एम टू ऐसी तो आएगा। अगर मैं यहां पे वन और टू को ऐड कर दूं, यानी वन प्लस टू कर दूं, तो बी से बी कट जाएगा, ये ए माइनस सी आ जाएगा और यहां पे प्लस माइनस फोर एम वन प्लस माइनस फोर एम टू आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन ले लिया जाए और फोर को भी कॉमन ले लिया जाए तो ये एम वन प्लस एम टू आ जाएगा और ये a माइनस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a माइनस का c। और ये प्लस माइनस वापस इसको दे दिया जाए तो ये मॉड a माइनस सी हो जाएगा, फोर का मल्टीपल एम वन प्लस एम टू। क्या आ जाएगा? फोर टाइम्स ऑफ एम वन प्लस एम टू। हो गया प्रूफ? क्या ये फोर का मल्टीपल है? तो हम कह सकते हैं ना मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू, या a मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। और अगर ये फोर का मल्टीपल है तो मैं कह सकता हूं कि a कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा और ये ट्रांसटिप भी हो जाएगा। आई बस, तो अब आपको रट गया होंगे स्टेप, मैं तो फिर भी लिख रहा हूं सारे जिससे कि आपको दिक्कत ना है, ठीक है? तो आप इस तरीके से करोगे। अब इसमें एक चीज और पूछिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन। अब ये कैसा, क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये है कि आपको वन से रिलेटेड सारे एलिमेंट पता करने हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे सोचा करो कि आपको जो वन दिया है वो ए है, ठीक है? अब आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी पता करना है। क्या पता करना है भाई? बी पता करना है कि बी क्या हो सकता है। तो देखो, हमें पता है जो एलिमेंट है वो वन से, जीरो से लेके कहां तक है, ट्वेल्व तक है हमारे पास। तो बी में क्या क्या हो सकता है? जीरो, भाई देखो बी हमारे पास, देखो ये तो फिक्स कर दिया। देखो सुनो ध्यान से, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, यानी वन से रिलेटेड कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप ये सोचा करो कि ये ए दे दिया है वन, और बी की पॉसिबल वैल्यू देखनी है। अब बी फिलहाल कहां से कहां तक हो सकता है? जीरो से लेके ट्वेल्व तक। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। लेकिन इसमें वही एलिमेंट पॉसिबल होंगे जिनमें ए और बी का डिफरेंस जो है वो फोर का मल्टीपल हो, यानी जो ओरिजिनल कंडीशन है वही। तो आप बताओ, वन और जीरो का डिफरेंस वन आएगा तो वो तो फोर का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। वन माइनस वन जीरो होगा जो कि फोर का मल्टीपल है। वन माइनस टू माइनस वन होगा लेकिन मॉड होने पे चलो प्लस वन आएगा लेकिन वो फोर का मल्टीपल नहीं होगा। वन माइनस थ्री टू आएगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाइव हो जाएगा क्योंकि वन माइनस फाइव माइनस फोर आएगा लेकिन मॉड प्लस फोर हो जाएगा जो कि फोर का मल्टीपल है। वन सिक्स नहीं होगा, वन सेवन नहीं होगा, वन एट नहीं होगा, वन नाइन हो जाएगा क्योंकि वन माइनस नाइन, वन माइनस नाइन माइनस का एट आएगा जो कि एट हो जाएगा। टेन नहीं होगा, इलेवन नहीं होगा, ट्वेल्व भी नहीं होगा। तो जो जो मैंने टिक करे हैं तो इसका आंसर में क्या क्या आ जाएगा? वन कॉमा फाइव कॉमा नाइन। कितने बच्चे समझ गए कि ये आपका जो एलिमेंट है रिलेटेड टू वो कौन सा है? वन फाइव नाइन, यानी वही लेना है बी को जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो भाई सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है? ए इज इक्वल टू बी, मतलब हमारे पास क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का जो मीनिंग है वो दे रखा है फिलहाल ए इज इक्वल टू बी। क्या दे रखा है इसमें? क्या मीनिंग दे रखा है? ए इज इक्वल टू बी हमें दे रखा है, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर हमें ए इक्वल टू बी गिवन है, अगर हमें ये ए इक्वल टू बी गिवन है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर मैं रिफ्लेक्सिव लूंगी तो आसान है, रिफ्लेक्सिव लेना है तो रिफ्लेक्सिव में तो हम चेक किसको करेंगे? ए कॉमा ए को। तो बी अगर ए के बराबर करोगे तो ये तो ट्रू आ गया ना, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है? सिमेट्रिक आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट निपटाते हैं इसको। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में हमारा इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है a इज इक्वल टू b,
अब क्या a इक्वल टू b को मैं b इक्वल टू a लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर, तो तुरंत ही b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तुरंत ये b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और अगर ये b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया, अगर ये b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिक। और अगर अगर हम इसको ट्रांजिटिव देखें, क्या देखें? ट्रांजिटिव। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि भाई ए बी और बी सी को देखना होगा, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग देखना होगा एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग देखना होगा। तो इसका मीनिंग होगा ए बराबर बी, इसका मीनिंग होगा बी बराबर सी। तो क्या इन दोनों से क्या मैं ए इक्वल टू सी लिख सकता हूं? यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ये बहुत आसान था, ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो इसमें अब आपका अगर वन फिक्स हो गया, यानी ए तो वन फिक्स हो गया, अब बी जो है वो कुछ भी हो सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट ट्वेल्व तक में। लेकिन इसमें कंडीशन है ए बराबर बी, तो ए बी के भी बराबर है, तो बी तो भाई फिर एक ही हो पाएगा ना, ये वन। तो इसका वन एलिमेंट किससे रिलेट हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में वन से रिलेट हो पाएगा। यानी कि आपको ओरिजिनल कंडीशन को देखना है, आपको यानी ओरिजिनल कंडीशन को देखना है। क्या आप बात समझ गए? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वन आएगा? क्या आप ये बात समझ गए? जरा बता दीजिए भाई फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है? और जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें यार, और सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को, क्योंकि ये पर्टिकुलर बेटा ट्वेल्थ क्लास के लिए चैनल बनाया गया है। ये चैनल बेटा ट्वेल्थ क्लास के लिए बनाया गया है आप लोगों के लिए, कि जिससे कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया इस पर हो पाए, और बिना किसी कन्फ्यूजन के, यार कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई कहाँ से पढ़ें, ये ट्वेल्थ का है कि इलेवेंथ का है, ये ट्वेल्थ का ही रहेगा इसमें कॉन्टेंट। ठीक है।